गए थे, कुछ लोगों के पैसे गुम हो गए थे, कुछ लोगों के पैसे कम हो गए, कुछ लोगों के पैसे बढ़ गए और कुछ लोगों के पैसे अप्रूव होने थे आईडी में जिन्होंने डिपॉजिट किया था लेकिन अप्रूव नहीं हुए। इनके साथ साथ एक और इशू आया था पासवर्ड का। आप अपना नाम सॉरी नंबर तो आप वही लगा रहे थे लेकिन जब आप अपना पासवर्ड लगा रहे थे तो आपको एरर दे रहा था पासवर्ड का। तो ऐसा कोई दोस्त जिनका अपग्रेडेशन के बाद पासवर्ड का इशू आ रहा है तो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका 2 मिनट में मसला हल हो जाएगा पासवर्ड का। लेकिन याद रखें, मैं फिर बोलता हूँ, जिनका अपग्रेडेशन के बाद पासवर्ड का मसला है सिर्फ वही रब्ता करें। ऐसे दोस्त जो अपना पासवर्ड भूल गए जी तो क्या लगाया था, उनका मसला मैं नहीं हल कर सकता, उनका मसला आप कस्टमर सर्विस से हल करवाएं। बाकी इस मसले का हल मैंने कस्टमर सर्विस वालों से पूछा था, उन्होंने मुझे इसका हल बताया, तो आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका जो आपका पासवर्ड अपग्रेडेशन के बाद नहीं लग रहा वो आपका हल करवा देता हूँ। जैसे कि सपोज़ ये मेरा नंबर है, नंबर तो सेम है लेकिन जब मैं इसके ऊपर पासवर्ड लगाऊंगा तो आप जब इसके ऊपर पासवर्ड लगा रहे होंगे तो आपको इस तरह का इशू आ रहा होगा, अकाउंट और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ये इशू आपके पास आ रहा होगा, ये आप देख लें। एज इट यह इशू अगर आपके पास आ रहा है, आप अपना नंबर भी सही लगा रहे हैं और पासवर्ड भी सही लगा रहे हैं, फिर आप मुझसे रब्ता करें। और एक दफ़ा फिर मैं बात को रिपीट करता हूँ कि आपका अगर अपग्रेडेशन के बाद यानी 22 तारीख 23 तारीख इन 2 दिनों में अगर इस तरह का मसला आया है तो आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा।